HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। एक इटालियन कलाकार ने साल 1968 में एक मूर्तिकला केंद्र के एक पेड़ पर पीतल के हाथ को लगा दिया था, जो कई दशकों के बाद भी वहीं लगा है। हाथ इतना मजबूत है कि पेड़ के साथ वो साल 1968 से आज तक लगा हुआ है। इस पीतल के हाथ को इटालियन कलाकार ने डलास में मूर्तिकला केंद्र में स्थित एक पेड़ के साथ स्थापित किया था। दशक बीत चुके हैं, लेकिन यह हाथ पेड़ से अलग नहीं हुआ। इस पीतल के हाथ को एक असली हाथ की तरह बनाया गया था, जो देखने में किसी आदमी के हाथ की तरह ही था। इस हाथ को लगाने के पीछे का मकसद यह देखना था कि पेड़ ज्यादा मजबूत है या धातु। लेकिन इतने दशकों से जब यह हाथ पेड़ से अलग नहीं हुआ, तो इससे पता चलता है कि यह धातु पेड़ की तुलना में ज्यादा ताकतवर और मजबूत है। इन तस्वीरें में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे इस हाथ की वजह से पेड़ का आकार बदल गया है। जहां हाथ की पकड़ है, वहां से यह पेड़ दबा हुआ सा है, और साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे कि यह हाथ पेड़ को निचोड़ रहा है।